प्रसिद्ध अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज बना जुआड़ियों और नशेलियों का अड्डा। प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बावजूद प्रशासन शिक्षा के इस मंदिर को नशा और असामाजिक तत्वों से मुक्त कराने में नहीं ले रहा है कोई रुचि। इसके कारण यहाँ के छात्रों और कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त बातें कॉलेज के प्रचार प्रोफेसर शमसुल इस्लाम ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रशासन द्वारा कॉलेज को विकसित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के कारण कॉलेज प्रशासन पंगु बना है। गया से आकाश रोशन की रिपोर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट में सिटी एसपी साहब से कल बात किया हूँ और उसके पहले मैं लिख करके दे चुका हूँ डीएम साहब को, एसएसपी साहब को और सिटी एसपी साहब को। हमारे कैंपस में जुआ, शराब, गांजा और ड्रग्स का अड्डा है, पीछे में लोग खेलते हैं और मैं चाहता हूँ कि ये ड्रग मुक्त हो जाए, शराब मुक्त हो जाए मेरा कैंपस। और यही लोग जो शराब पीते हैं रोड रॉबरी में मुलविस हैं और वो लोगों का मोबाइल इत्यादि छीनते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रेच है अनुग्रह कॉलेज का वो पूर्ण रूपेण सुरक्षित हो और महिलाएँ, बच्चे, नागरिक यहाँ से गुजरते समय ऐसा महसूस करें कि ये एरिया सुरक्षित है। बाढ़ इत्यादि में मैंने शेल्टर होम बनाया था लोगों के रहने के लिए गया कॉलेज में, तो वैसी व्यवस्था यहाँ भी करूँगा। और जिनके घर डूब जाते हैं, खान पान की व्यवस्था नहीं होती है, हमारे वॉलंटियर्स वहाँ जाएंगे, काम करेंगे। गरीबों में मैं मुफ्त में किताब, कॉपी, कलम बांटूंगा और उनको शिक्षा के लिए मोटिवेट करूंगा और हेल्थ एंड हाइजीन प्रोग्राम चलाऊंगा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब तबके के लोगों के लिए, उनमें साबुन बांटूंगा ये कहते हुए कि भाई तुम स्वच्छ रहो, हेल्दी रहो और पढ़ाई पढ़ो और पढ़ करके तुम अच्छे नागरिक।